जनाब ये है चिनोट है, हम इज़मिस लेक की तरफ रवा दवा है। तो रास्ते में एक खूबसूरत मेडो जो है ना हमने एंजॉय किया, और अभी हम जो है ना फिर से अपनी ट्रैक शुरू करेंगे। अभी तक हम गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं टूवर्ड्स इज़मिस लेक। गाड़ी का सफ़र अच्छा रहा, तकरीबन 3-4 जगह ऐसी थी कि गाड़ी उस पर पार्क करना या चलाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने अच्छी तरीके से क्रॉस किया। पानी ने ऐसा जो नीचे जो है ना पानी बह रहा है उसने ऐसा शेप बनाया है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है इससे। और वापसी में जो है ना लेक से अब हम उधर जाएंगे लेक की तरफ, फिर वापसी में वो रास्ता चुनेंगे, वहाँ से आएंगे इधर इस खूबसूरत जगह को है ना आपको दिखाएंगे, ये जगह जो है ना आपके लिए टच करेंगे। ये हमारे सीनियर ट्रेकर है खान जी, जिसका ताल्लुक सवात से है, और ये माशाल्लाह अलीबास खान, इधर देखो इसका ताल्लुक भी सवात से है, और आगे जो जा रहा है हमारे डायरेक्टर साहब जीहान शेर साहब, इसका ताल्लुक भी सवात से है। ये भी हमारे ट्रैक का साथी है आबिद हबीब शिनवारी। वालेकुम अस्सलाम, ट्रैक कैसा चल रहा है? बहुत ज़बरदस्त, इंतहाई खूबसूरत, अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। इस तरह का ट्रैकिंग मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, बहुत घूमा हूँ, लेकिन बेहतरीन ट्रैकिंग, A1 ट्रैकिंग। जो भी आना चाहे ज़रूर आए यहाँ पर, बिल्कुल मैं रिकमेंड करता हूँ। यानी मतलब रास्ता आसान है, रास्ता बिल्कुल दुश्वार नहीं है, ज़बरदस्त। गाड़ी में जो रास्ता हमने तय किया वो सारा जंगल में आता है। मजीद यार मजीद ही। अबरार जी हाँ, अच्छा तो हमारा सफ़र चल रहा है, मौसम भी काफ़ी खूबसूरत है और रास्ता भी काफ़ी अच्छा है, तो मेरे ख्याल में हम 1 घंटे में पहुँच जाएँगे और हम तकरीबन करीब है इस लेक। अच्छा तो चलते इंजॉय करते हैं इज़मिस, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक विद द मोस्ट ब्यूटीफुल मेडो हियर। खान जी हाँ, यहाँ पर हमारा थोड़ा है हो गया, 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए थोड़ा कम नहीं है? नहीं, 5 मिनट बैठना पड़ेगा फिर जाना पड़ेगा। तो फिर जाना पड़ेगा लेक की तरफ। और धूप जो है ना थोड़ा बढ़ गया है, तो हमने सर पर ये रुमाल रख दिया। द बेस्ट वे टू डिफीट धूप टू कवर योर हेड विद रुमाल। ये दोस्तों ये हमारा जो है ना हमारा ताल्लुक दीर से है, तो ये बॉर्डर जो है ना आपको नज़र आ रहा है, ये अपर दीर और कलाम सवात का जो है ना ये बॉर्डर है। अगर आप इसको क्रॉस करेंगे तो आपको आप सीधा किधर जाएंगे?
जेस पास और लामुतई गांव को जाएंगे, तो हम नहीं जाएंगे। तो 10 मिनट स्टे करने के बाद हमने फिर अपना ट्रैक शुरू किया टूवर्ड इज़मिस लेक। खान जी ने टाइम थोड़ा कम बताया था, 5 मिनट। 5 मिनट के लिए बैठे ना? नहीं, 10 मिनट हम बैठे हैं, 5 मिनट में तो क्या हो सकता है। तो चलिए हमारे साथ टूवर्ड्स इज़मिस लेक। कौन से लेक? इज़मिस लेक। इज़मिस लेक आधा घंटा, हमें कुछ पता नहीं है। पता नहीं है? हाँ, पहली बार जा रहे हैं हम। तो भूलने वाले हैं। अपने गाइड जो है ना, उससे पूछना पड़ेगा कि कितना रास्ता बाकी है। लेकिन हमारा गाइड जो है ना, माशाल्लाह, शरीफ बंदा है। हमारा अजीब गाइड है, हमसे बहुत दूर जा रहा है, तो ये ना इंसाफी है। कमैयो चतराल वाली, ये देखो, ये मेरा तीसरा व्लॉग है तकरीबन नहीं, लेकिन बिल्कुल है तीसरा व्लॉग। मैंने पहले व्लॉग जो बनाया था, तो हम चतराल गए थे, यही दोस्त थे हमारे साथ। और तो खान जी पीछे कह रहा है कि वो पहला व्लॉग जो था ना, कहानी बहुत अच्छी बनाई थी। खान जी हमें दाद दे रहा है, इंशाल्लाह ये भी अच्छी बनेगी। कौन सा आबशार? बस के निजदे वो लाड़ बशु होता। हाँ, ओ खैर, माशाल्लाह। रास्ते में ये खूबसूरत सा आबशार मिल गया, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कोशिश करेंगे कि आपके लिए इसके ड्रोन शॉट्स। तीन जो दोस्त थे मेरे पीछे, वो पहुंच गए, जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। हाँ जी, क्या हाल है, थक गए क्या? बहुत थक गए भाई। अच्छा, थोड़ा आराम कर लो इधर। आराम तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। ये मेरा जो है ना, 6 घंटा मैंने ड्राइव किया, 6 घंटा, और फिर पैदल रास्ता शुरू हुआ। अच्छा। हाँ, और पैदल रास्ते भी इतना दुश्वार है, बहुत ज्यादा सख्त है। इतना दुश्वार तो नहीं, बहुत सख्त है। क्या बोल यार, आलम बांडे जो इससे आगे कितना सख्त है, वो रास्ते इसमें नहीं है, सारे पत्थर है, दिखा रहे ना? पत्थर तो सिर्फ इधर थे, पीछे तो नहीं थे। पीछे भी तो, आगे भी देखो, सफर पीछे रास्ता तो माशाल्लाह बहुत। अभी की देखो ना, अभी इधर देखो, आगे पत्थर देखो, पत्थर से गुजरना पड़ेगा। उस पत्थर से? हाँ। नहीं, हमें उस रास्ते जाना होगा। अजीब किस्म के पत्थर है। ट्रैक का दूसरा स्टे लेक के बिल्कुल करीब, और खान जी हमें रेड बुल पिला रहा है, एनर्जी ड्रिंक। आधा घंटा रास्ता है भाई। ये रेड बुल जो है ना, मैंने जिंदगी में कभी नहीं पिया है, लेकिन इस ट्रैक में मैं पहली बार रास्ता पी रहा हूँ। पी लो। हाँ, एनर्जी भी थोड़ी कम हो रही है। گرم شو رے گرم شو خونے خراب شو کہنا مزہ بھی الگ ہوتا ہے اچھا سپرڈر صاحب آپ اتنا تیز کیوں آیا یہ اتنا خراب راستے میں खान जी ये रेड बुल का कमाल है। रेड बुल का? हाँ हाँ, इधर एक बैग में जो है ना दूसरा पड़ा है, वो पियो फिर। नहीं नहीं, आपसे सबसे आगे जाएंगे, आधा आधा पियेंगे उधर लेक के साथ। असीम भाई कुछ नहीं कहेगा, पियो। नहीं नहीं नहीं, पियो नहीं, सही है। वी डन इट, हम पहुंच गए, पहुंच गए इज़मिस लेक।
Very well done, very well done, Khan ji. MashaAllah, Red Bull ne kamal kar diya. Aakhirkar, ab pahunch gaye. Ye rasta hai, ye rasta hai. Aakhirkar, Ramze. Das yeh orkhi jo zara zila rasta. Aakhirkar, lake jo hai na, hume nazar. MashaAllah. We done it safely. MashaAllah, बहुत खूबसूरत लेक है. करीब जाएंगे तो आपको दिखाएंगे Izmis Lake. तो जनाब ये जो पीछे आप देख रहे हैं मेरे तो ये है Izmis Lake और हम MashaAllah खैरियत से पहुंच गए और ट्रैक जो था तकरीबन दो घंटे था खान जी ढाई घंटे हाँ और तो, गाड़ी का रास्ता जो है बहुत दुश्वार है दुश्वार। गाड़ी का हमने ड्राइव किया तीन घंटा हाँ गाड़ी फोर व्हील होना चाहिए लाजमी होना चाहिए ड्रोवर भी स्ट्रांग होना चाहिए और ड्राइवर भी जो है ना वो भी खान जी की तरह स्ट्रांग होना चाहिए माशाल्लाह खूबसूरत ड्राइविंग इसने की बहुत एडवेंचर ड्राइवर है खान जी माशाल्लाह हाँ जी लेक कैसा लगा लेक बहुत खूबसूरत लगा और हम जो पूरे रास्ते में थक गया अभी वो चला गया हाँ अभी फ्रेश है बस खान जी की थकावट गई लेक देखते ही उसकी थकावट गई माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है तो आपको दिखाते हैं हम लोगों ने देखा ये उतरोड़ से अच्छा किसी ज्यादा लोगों ने नहीं देखा ये लेक हाँ बिल्कुल हाँ मसला ये कि लोगों ने ये वजह है कि नहीं देखा है उसको पता नहीं है कि उतरोड़ से इसको एक आगे एक सड़क आती है उतरोड़ से पूरा 9 घंटे लगता है पैदल ट्रैक तो लोग आते हैं तकरीबन 9 घंटे इधर ट्रैक करते हैं अभी जो है ना मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उतरोड़ कालाम से जो है ना 3 घंटे लगेंगे रास्ते में बहुत खूबसूरत जगह आते है कालाम बांडा हाँ वो भी बहुत खूबसूरत है और एक जगह और थी उसका क्या चिनोट बांडा पहले आते हैं बाद में कालाम बांडा और बाद में Izmis Lake है बाद में Izmis कौन सा बांडा है रास्ते में आखिरी वाला जबा हाँ बिल्कुल जबा अभी वो हम चेक करेंगे आपको दिखाएंगे जबा रास्ते में वो वाटरफॉल भी था वाटरफॉल भी बहुत खूबसूरत था तो मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि अभी जो है ना इसको उतरोड़ से माशाल्लाह अच्छी सड़क है तकरीबन 4 व्हील पर 3 घंटे लगेंगे और बाकी 2 घंटे का रास्ता है इधर पैदल ट्रैक पहले लोग आते थे उधर उतरोड़ से पैदल आते थे तकरीबन वो यहाँ नाइट स्टे करते थे रास्ते में तो उसके 9 घंटे लगते थे अभी जो है ना माशाल्लाह रास्ता बहुत आसान है तो आपकी अगर ख्वाहिश हो तो बहुत इजी है Izmis Lake आप आ सकते हैं शुक्रिया जनाब इधर हमारा जो है ना लंच हो रहा है और लंच टी के साथ है लोकल टी बहुत मज़ेदार चाय बनाए हैं हाँ जी चाय कैसी लगी बहुत ज़बरदस्त लगी भाई ज़बरदस्त लगी बहुत ज़बरदस्त लगी तो
मेरे हमारे जो गाइड थे उसने हमें भी चाय भी यहाँ पिला दी, तो शुक्रिया अब्दुल वहाब साहब। आगे कितने महीने का रास्ता होगा हमारे घर? तो जनाब ये था कौन सा लेक खान जी? इज़मिस लेक, हम नाम भी भूल गए यार। तो हमारे साथी ट्रैक के साथी जो है ना अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और हमारी फिर यहाँ से वापसी होगी टुवर्ड्स, अब हम किधर जाएंगे? कालाम बांडा भी है, कालाम बांडा और फिर चिनोट बांडा। चिनोट बांडा नहीं, वो जब चेक करेंगे ना, इज़मिस बांडा भी चेक करेंगे ना, इज़मिस बांडा वो भी चेक करेंगे और फिर लास्ट में उतरोड़ उतरोड़ लास्ट में उतरोड़। क्या रात कहाँ गुजारेंगे, कालाम में कि नहीं? उतरोड़ में। उतरोड़ में, अच्छा चलो ठीक है। और हमने जो अपने साथ ये कुछ चीजें लाए थे तो ये प्लास्टिक वगैरह रह गई है, तो हम एक इसको शापर में डालेंगे, सफाई का ख्याल रखेंगे, ये बिल्कुल क्लीन जगह है। उधर भी किसी ने एक चीज डाला है, चेक करते हैं ये क्या चीज है। ओए शापर किधर है शापर? ये सब कुछ जो है ना शापर में डाल दो, फिर उधर डस्टबिन में डालेंगे। तो गाइज हमने इज़मिस लेक जो है ना उससे वापसी की, माशाल्लाह खूबसूरत लेक था, यानी हमने खूबसूरत खूबसूरत मेडोज, वाटरफॉल्स और अच्छे रास्तों को जो है ना क्रॉस किया और पहुंच गए इज़मिस लेक, यानी ये ब्यूटी की ईंट होती है। और उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। कैसा लगा इज़मिस लेक? इज़मिस लेक इंतहाई बेहतरीन जगह है। अच्छा, रास्ता थोड़ा सा दुश्वार गुजार था लास्ट में। अच्छा, पहले जो रास्ता था एक घंटा ढाई घंटा, वो रास्ता बहुत बेहतरीन था, लेकिन लास्ट तकरीबन आधा घंटा घंटा रास्ता जो था वो पथरीला था। अच्छा, तो वो उसने ज़रा थकावट पैदा कर दी, बाकी रास्ते में कोई मुश्किलात नहीं थी। अच्छा, रास्ता बहुत बेहतरीन था और झील इंतहाई खूबसूरत बेहतरीन, माशाल्लाह। और रास्ते में जितने भी मीडोज आते हैं यकीन करें आप मज़े लेंगे। अच्छा, तो आइए, ज़रूर आइए, थक जाएंगे लेकिन आपकी थकावट खाली नहीं जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। You told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile. हाँ, क्या है? हाँ जी, कह रहा है कि इस रास्ते पर अभी टाइगर भी नहीं गुजरा होगा, और हमने ये रास्ता पार कर लिया, वो दुश्वार था वापसी में। असल की बात ये है कि हम जो है ना उधर जबा लोकेशन जो है ना उधर जा रहे हैं, तो हमने अपना उस जिस रास्ते पर हम आए हुए थे इज़मिस लेक के लिए उससे अपोजिट साइड लिया और रास्ता गलत चुन लिया। तो अभी थोड़ा रास्ता बाकी है। कौन सा रास्ता? यहाँ ये रास्ता है, इस सारे पत्थरों को हमने क्रॉस किया है। तो दोस्तों इज़मिस लेक से वापसी पर तकरीबन हमने एक घंटा ट्रैक किया, जैसा कि आपको पता है कि हमने आपको बताया था कि हम वापसी पर जबा नीचे जो आता था जबा वो दिखाएंगे। And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah, yeah.
अच्छा दोस्तों, तो ये थी जबा जो कि कालाम बांडा में वाकया है। इंतहाई खूबसूरत मेडो थी। पीछे आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं आपको दिखा दूँ, ये चेक करें कितनी खूबसूरत है। हमने खूब एंजॉय किया इस जगह को और अब हमारी वापसी होगी, वापस करना। तो इस व्लॉग में हमने आपको दिखा दिया इज़मिस लेक और जबा मेडो। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपने खूब एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों, खुदा हाफिज़।